हे एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं एक ऐसा चूर्ण जो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मैंने खुद इसको लिया है और मैंने इसको 15 से 20 दिन में अपना 2 kg वज़न कम किया था। तो मैं अगेन इस चूर्ण को बनाने जा रही हूँ, तो सोचा कि आपके लिए वीडियो भी बना लूँ। यदि आप अपने शरीर से जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको दूर करना चाहते हैं, विशेष रूप से पेट की चर्बी को समाप्त करना चाहते हैं, तो अलसी, जीरा और अजवाइन का चूर्ण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें कुछ चीज़ें और हम ऐड कर देंगे तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो गाइस, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमने लिया है इसमें लिया है अलसी। ये देखिए आप, मेरे पास अलसी है और ये रो अलसी है। तो अलसी के बीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अलसी के बीज में प्रोटीन, आयरन, जिंक, पोटेशियम और विटामिन बी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा भी पाया जाता है। अलसी के सेवन से हृदय रोग, वजन कम करना, मधुमेह, पाचन में सुधार और शरीर को साफ रखने में हेल्प मिलती है। और इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसकी मात्रा को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अभी विंटर का टाइम है और विंटर शुरू ही हो गई है, तो मैंने इसलिए थोड़ा अलसी इक्वल मात्रा में ले लिया। अदरवाइज अगर आप गर्मी में इसको बना रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच इसको डाल सकते हैं, और सर्दी में बना रहे हैं तो आप इसकी जो मात्रा है वो इक्वल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारे पास वो है अजवाइन। आप देख सकते हैं मेरे पास अजवाइन रखी है। तो गाइस, अजवाइन जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करती है, खट्टी टकारों को ख़त्म करने में हेल्प करती है। फिर है हमारे पास जीरा। जीरा जो होता है वो पेट का जो मोटापा है, शरीर का मोटापा है, उसको कम करने में हेल्प करता है। और जो मसूड़े होते हैं दांतों के और या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो जीरा जो होता है हम सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, तो ये भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरा हुआ है। फिर हमने लिया है यहाँ पर मेथी और ये थोड़ी सॉफ्ट। तो ये जो है, ये चीज़ें मिलके हमारे वेट लॉस को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो जैसे कि मैंने बताया विंटर है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पर अजवाइन और जो अलसी है उसकी मात्रा समान मात्रा में ही ली है, क्योंकि गर्म होती है। साफ बात यह है कि गर्म होती है, तो इसलिए हम सर्दियों में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो कम मात्रा में यूज़ कीजिए। उसके बाद मैंने कुछ टुकड़े ले लिए हैं यहाँ पर दालचीनी के, और दालचीनी के कुछ टुकड़े इसलिए लिए हैं, एक तो ये वेट लॉस में हेल्प करती है, दूसरा इसे जो चूर्ण है थोड़ा सा खट्टा हो जा सॉरी कड़वा हो जाता है ना, तो इससे थोड़ा मीठा मीठा आपको लगेगा। क्योंकि मैंने एक बार ऐसी बिना दालचीनी के चूर्ण बनाया था, तो गाइस वो चूर्ण मुझसे खाया नहीं गया था। फिर मैंने अगेन दालचीनी पीस के उसमें डाल दी थी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1-2 ही स्टिक चाहिए होगी, तो मैंने थोड़ी सी स्टिक ले ली है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है ये हींग। हींग ऑप्शनल है, हींग इसलिए लिया है मैंने कि हम इसको जैसे कि अगर गैस वगैरह भी बननी है तो भी हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए हम इस चूर्ण को बनाना शुरू करते हैं। आप चाहे तो इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। तो हमें इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई लेनी है। तो गाइस, मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है जीरा। सारे इंग्रेडिएंट्स हमें डाल लेने हैं। फिर हम ले रहे हैं अलसी, फिर हम लेंगे सौंफ, फिर हम लेंगे मेथी दाना, फिर हम लेंगे ये दालचीनी और अजवाइन। बस इन सबको लेके आपको इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और इनको रोस्टेड कर लेना है। इतना गर्म नहीं करना है कि जल जाए, बस हल्का सा गर्म करना है ताकि जो इनके अंदर मॉइस्चर होगा, क्योंकि विंटर का टाइम है तो मॉइस्चर हो जाता है थोड़ा बहुत सर्दियों में, तो हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से गर्म कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर रोस्ट कर लेती हूँ, एंड रोस्ट करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। और आगे आपको इसको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी।